हेलो, सत श्री अकाल। नया टॉपिक है कि पैराथलीट्स के ऊपर है। पैराथलीट्स काफी मैसेज करते हैं, वो भी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर भी करते हैं। तो स्पेशली उनके लिए आप सब भी, ऐसा नहीं कि पैराथलीट्स की वीडियो आप सब ना देखें, आपके लिए भी फायदे वाली है। क्योंकि कुछ बात ऐसी बोलूंगा, सपोज जो डिसेबल्ड एथलीट है, कुछ तो किसी का एक पैर है या किसी के दोनों है या किसी का एक हाथ है या दोनों, एक हाथ दूसरे बड़ा है, ठीक है, किसी का कान से भी डीफ हो सकता है, तो आंखों से भी है प्रॉब्लम। तो यार मैं आंख वाली नहीं बता रहा हूं, मैं कान वाली नहीं बता रहा हूं, मैं जो चीज हम कर सकते हैं, सपोज लेग या आर्म्स, ये चीज बता रहा हूं। तो मेरे पॉइंट्स को समझ के देखना। आप लोग वर्कआउट करते हो, बेशक सही वर्कआउट करते होंगे, किसी भी कोचेस के अंडर में करते हो या आप अकेले भी करते हो, तो आप लोगों के मैक्सिमम चांसेस हैं आप बहुत जल्दी राइज कर जाते हो, ठीक है। बट जो ये भी चीज देखी गई है कि जो टॉप पे हैं, चल रहे हैं ना, जो आज से 2-4 साल पहले या 5 साल पहले चल रहे थे, वही चल रहे हैं। कुछ नए पर्सन तो वो नहीं आ रहे बीच में, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग सही वर्कआउट फॉलो करें जो यंगस्टर हैं। और इसके अलावा मान लो किसी का लेफ्ट हैंड खराब है और राइट पूरा स्ट्रांग है, तो वो पूछता है कि भाई साहब मैं स्नैच कैसे करूं, मैं स्नैच नहीं कर सकता। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप रॉड के साथ एक हाथ से स्नैच भी कर सकते हो, अगर साथ में सपोर्टर खड़े हैं तो, ठीक है। सेकंड, आप विद डंबल के साथ बढ़िया स्नैच कर सकते हो, ठीक है। जिसका कटा हुआ हाथ है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, जिसका जो सुकड़ता है कुछ मसल्स, उनकी भी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दूसरे, जो कमजोर वीक हाथ है, कहीं जो कटा नहीं है वीक है, आप वीक की भी साथ में स्ट्रेंथनिंग किया करो, ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ उसके अंदर भी ग्रो अप हो। तो जो आपका थ्रोइंग आर्म है या आप जो भी वर्कआउट करते हो, तो दूसरे वाला तो स्ट्रांग रह ही रहे जो नॉर्मल वाला है, ठीक है। सेम ऐसे ही पैर के ऊपर है, किसी के प्रॉब्लम है तो जिनके पैर के अंदर भी प्रॉब्लम है, वो भी कोशिश करें कि जो वीक पैर है उसकी भी साथ में ट्रेनिंग करनी है कहीं ना कहीं। सपोज आप नी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, नी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, स्क्वाट ही होती है। आप लेट के वो मशीन के ऊपर बैठ के लेग्स को ऐसे ऐसे करते हैं, तो कम वेट करके कमजोर वाली लेग का भी करना चाहिए और करना है, ओके। और सेम लाइक हैमस्ट्रिंग, हम उल्टे लेटे हैं तो हम लेग को फोल्ड करते हैं, लेग फोल्ड करने वाली, तो सेपरेट सेपरेट लेग का करो। बेशक वीक लेग के लिए किसी की हेल्प ले लो, बट वो भी जरूरी है, ठीक है। तो जो जो पंजाब के एथलीट्स हैं, तुसी भी सेम लाइक इस चीज नूं फॉलो करना चाहिए। बिकॉज जिस टाइम मैं बाहर गया सी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के ऊपर, उत्थे भी बाहर इदां करदे सी एथलीट, वो वीक लेग का ज्यादा वर्कआउट कर रहे सी। स्ट्रांग तो है ही है क्योंकि उसका 12 महीने करते हैं, एंड राइट वाली का भी जो वीक है वह भी करना है बहुत चंगी तरह और सही वर्कआउट फॉलो करना। सेकेंड, पैराथलीट्स को ये बोल दिया जाता है तुम्हारा कौन सा डोप हो रहा है, तुम तो कितना भी कुछ भी खा लो, ऐसा को कहीं भी नहीं लिखा कि उनका डोप नहीं होता, उनके भी सैंपल्स होते हैं। तो इन गलत फहमियों में या किसी के पीछे लग के आप अपना फ्यूचर खराब मत कर लें, क्योंकि ये बहुत गंदा कलंक होता है आपके ऊपर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सबके डोप होते हैं, सबके सैंपल कलेक्शन होती है, तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और वर्कआउट इस तरीके से फॉलो करना है कि आप लोग थोड़ा सा लंबी देर चल पाए, ठीक है। और यंगस्टर जरूर यार, कभी कोई तगड़ा नहीं होता, जो चाहे नॉर्मल्स के अंदर है चाहे फिर वो पैरास के अंदर है, एक एक जैसा टाइम सबका नहीं रहता, टाइम बदल जाता है। ऐसे ही एथलीट जो मेहनत है ना, जो अगर आपने स्मार्ट ट्रेनिंग ज्यादा करी है तो आप उभर के जल्दी आ जाओगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, किसी का रैंक ले सकते हो आप। तो बस इतनी सी बात बोलूंगा पैरा एथलीट्स के लिए, गुड लक, सभी अच्छा करें और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। थैंक यू सो मच।